हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हिंदी में देखने के लिए एक दबाएं, अंग्रेजी में देखने के लिए कुछ मत दबाएं, क्योंकि हिंदी में ही है वीडियो। ठीक, इंग्लिश नहीं आती। तो आज का जो कंपैरिजन टेस्ट है वो दो बाइकों का है। ये देखिए, ये करेंगे हमारे साथ कंपैरिजन टेस्ट। मुझे लगा कि बाइकों, ठीक है, ये करेंगे हमारे साथ कंपैरिजन टेस्ट। कौन सी गाड़ी चलाएंगे आप? ये चलाएंगे पैशन प्रो और मैं चलाऊंगा स्प्लेंडर प्लस। पहले इन दोनों का कंपैरिजन टेस्ट लेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी ज्यादा तेज है। धका धक। But I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. तो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद एक बाइक का कंटेंट मैं शूट करने आया हूँ। और बहुत दिन से बाइक को भगाने का मन था, लेकिन शूट नहीं हो पा रहा था बहुत सारे रीजंस की वजह से। और बहुत ही दिनों के बाद हमारे पप्पन पिल्लो हमारे साथ हैं बगल में। हालांकि अपना वीडियो तो बना नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा बनवाने के लिए आ गए हैं साथ में। और इनकी बूजा भी बहुत दिन बाद आई है इनके पास। इनके पास थी नहीं, ये पता नहीं कहाँ बांट रखे हैं, दे रखे हैं किसी को, अपने छोटे भाई को दे रखे हैं। और आजकल ये खुद पैदल चलते हैं। बाकी मेरे पास है पैशन प्रो। जी हाँ, हीरो की पैशन प्रो जो नया मॉडल आया है, ये 113 सीसी की बाइक है। और इधर हमारे पास है 97.4 सीसी की बाइक, लेकिन ये भागने में ऐसी है कि आप तो जानते ही हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों का एक कंपैरिजन हम करके देखते हैं कि क्या पैशन प्रो इस काबिल है कि वो बूजा से जीत पाए। वैसे कहना तो उल्टा चाहिए था कि क्या बूजा इस काबिल है कि इससे जीत पाए, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ओह, मैं निकल गया। अरे यार शिट, गियर छूट गया किसी वजह से, लेकिन तब भी पप्पन पिल्लो आगे नहीं आ पाए अभी तक। अस्सी पहुंच गया मैं। पप्पन पिल्लो लगातार मेहनत करते हुए पीछे है। देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। देखो बगल में आ गया है। लेट्स सी रिजल्ट क्या होंगे, लेकिन जो भी होगा बहुत ही मजा आने वाला है। मैं 100 के आसपास पहुंच रहा हूं। पप्पन पिल्लो काफी पीछे हो गए हैं। सब पे हूं मैं यार, पप्पन पिल्लो बहुत पीछे हैं। पप्पन पिल्लो हरा नहीं पा रहे हमें। इम्पॉसिबल, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर पप्पन पिल्लो टू बीट मी। देखा,
मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे हरा दो, ये हो नहीं सकता, और मैं आ जाऊं या मैं होने नहीं दूंगा। आ पहले तुम भूजा से चीर फाड़ निकलते थे, कितना गई? इसका मीटर खराब है यार। सही बताओ कितना गई? अबे यार ये सब क्या करते रहते हैं यार, गाड़ी दूसरे के हाथ में दे दियो तो गाड़ी की पूरी वही कर दी है। ये पप्पन पिल्लो की भूजा है, उसका मीटर खराब है बता रहे हैं, अब बताया इन्होंने मुझे। अब पता नहीं चलने में वैसी रह गई है या नहीं रह गई है, फिलहाल अभी भगाएंगे तब पता चलेगा, हम भगा के देखते हैं एक बार ध्यान से। हाँ चलें, अरे यार पिकअप धीरे ले रही है, पिकअप बहुत धीरे ले रही है, वो भाग गया। बहुत धीरे पिकअप यार, बहुत धीरे। आज पहली बार मुझे ये वाली स्प्लेंडर चला के बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है ये उस काबिले तारीफ परफॉर्म कर रही जैसा पहले करती थी। जब पप्पन पिल्लो के पास थी तब बाइक मेंटेन रहती थी, अब बाइक बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है, बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। ये मुझे मौका दे रहे हैं 80 पे, हाँ कर लो। जीत गए। तो यहाँ पे क्लियर विनर जो है वो पैशन प्रो है, स्प्लेंडर नहीं हरा पा रही है पैशन प्रो को, पैशन ज़्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही है, FI इंजन है ये, कार्बोरेटर है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि पैशन प्रो काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, जिसमें पप्पन पिल्लो पहली बार में निकल जाते हैं, मैं हरा नहीं पाता हूँ, और यहाँ पर रिजल्ट यही रहा कि पैशन प्रो हर सिचुएशन में तेज़ है, स्प्लेंडर से काफ़ी तेज़ है और बहुत तेज़ निकलती है। तो आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, राइड एंड ड्राइव सेफ।